लॉन्ग मार्च के प्रणेता प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े जी है। इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं तो ये नाम ऐसा है जिसने लाखों करोड़ों अंबेडकरवादी युवाओं को एक नई प्रेरणा दी और इस प्रेरणा से नए नए नेतृत्व भी सामने आए हैं। एक क्रांति का आगाज उन्होंने किया। मराठवाड़ा विद्यापीठ का जो नामांतर का मुद्दा था उसमें वो खूब लड़े, अपनी आहुति दी और विजयश्री खींच कर लाई और आज हम देखते हैं कि मराठवाड़ा विद्यापीठ को हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ इस नाम से जानते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं। कोरोना का काल चल रहा था, लोगों से मुलाकात नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कई मोमेंट कहीं रुक गई है, लेकिन लोग कहते हैं कि मोमेंट कहीं रुकती नहीं, बस उसको और आगे जाना होता है। आप क्या कहेंगे, आज 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं, कोरोना काल के बाद इस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या करना चाहिए? विश्ववंदनीय विश्वभूषण राष्ट्र निर्माता भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी का 65वां महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर मैं और देश भर से लाखों कार्यकर्ता, लाखों जनता बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए समता, स्वातंत्र्य, भाईचारा, सामाजिक न्याय, ये मानवीय मूल्यों को संजोकर बाबा साहब का सपना साकार करने का संकल्प करने के लिए यहाँ पर आती है। सबसे पहले तो मैं महापरिनिर्वाण दिन के पास 65वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। अब यहाँ पर पाबंदी होने के बावजूद कोरोना है, अभी नया ओमाइक्रोन वगैरह क्या आ रहा है, ये दिखाकर महाराष्ट्र के सरकार ने और मुंबई महानगर पालिका ने लोगों पर यहाँ पे आना नहीं चाहिए, यहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की कोशिशें यहाँ पर की। केवल बाबा साहब के लिए इस प्रकार की कोशिश क्यों की जाती है? बाबा साहब के समाज के लिए कोशिश क्यों की जाती है कि ताकि यहाँ पर लोग ना आए, बाबा साहब के जनता की ताकत ना दिखे, भीम शक्ति यहाँ पर ना दिखे, ऐसी जानबूझकर कोशिश यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार बोलो या मुंबई महानगर पालिका कर रही है। कोरोना का डर हमें दिखाते हैं, ओमाइक्रॉन का डर हमें दिखाते हैं, अम्बेडकरी समाज को दिखाते हैं और नासिक में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ, अखबार में हमने पढ़ा, उसको लाखों लोग वहाँ पर थे, उन पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं, कई स्टॉल्स थे, खाने के स्टॉल्स थे, किताबों के स्टॉल्स थे, 80 लाख के करीब किताबों की बिक्री वहाँ पर हुई, अखबार में पढ़े, बड़े खुश हुए हम। अम्बेडकरी जनता ने कौन सा पाप किया जब तुम अखिल ये ब्राह्मणों द्वारा चलाए जाने वाली अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जिसको सरकार करोड़ों रुपए दान भी देती है, मदद भी करती है, वहाँ पर सभी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं, कोई नियमों का पालन नहीं, खुलेआम सब चल रहा है और उसके पड़ोस में नासिक के पड़ोस में मुंबई जैसे दादर में चैत्य भूमि बाबा साहब की है, वहाँ अभिवादन करने के लिए लोग अपने घर से ही बैठकर वंदन करें, अभिवादन करें, ऐसा ऐलान किया जाता है कि साहित्य सम्मेलन घर में बैठ के करना था ना। कवि हो गए, साहित्यिक हो गए, लेखक हो गए, विद्वान हो गए, उन्होंने सम्मेलन क्या जरूरत है, घर में बैठ के करना था सम्मेलन ऑनलाइन, वो क्यों नहीं किया? और यहाँ पे महानगर पालिका और हमारी महाराष्ट्र की सरकार ये फुले शाह बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर चलने का दावा करती है, ये आह्वान करते हैं कि आप घर में ही बैठ कर अभिवादन कीजिए, तो वो नासिक में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के लोगों को सरकार ने क्यों नहीं कहा कि आप घर में बैठ के सम्मेलन कीजिए,
जो भी कवि सम्मेलन करना है या चर्चा करना है या संवाद करना है, तो वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर घर में बैठ के अभिवादन करो, इस प्रकार के ये भेदभाव। अभी कई मंत्रियों के लड़कियों की, लड़कों की शादी यहाँ हुई, हज़ारों के तादाद में लोग वहाँ पर हैं, कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कल परसों मेरे ख्याल से हमारे सामना के संपादक शिवसेना के खासदार संजय राउत के लड़की की भी शादी हुई, वहाँ पर तमाम चोटी के नेता मान्यवर लोग, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे थे, उन पर किसी प्रकार का निर्बंध नहीं था, किसी प्रकार का निर्बंध नहीं था। लेकिन जब 6 दिसंबर का प्रोग्राम है, 14 अप्रैल का प्रोग्राम है, जहाँ बाबा साहब की करोड़ों करोड़ों जनता भावना का भावना से खेला जाता है और उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ये भेदभाव की नीति बाबा साहब के संविधान ने नहीं सिखाई। जी सर, लोगों की भावनाओं की बात है, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आज का जो मुद्दा है कि 6 दिसंबर को सरकार ने कहा, आह्वान किया कि आप घर से ही बाबा साहब को आदरांजलि करिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हमने जवि सर से बात की और एक संवेदनशील मुद्दे पर कि कोर्ट को समेटो लेना पड़ा और कहना पड़ा कि बाबा साहब का साहित्य प्रकाशित करने की ओर सरकार ध्यान दे, तो ये अप्रकाशित साहित्य बाबा साहब का है। एक तरफ सरकार अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के नाम पर एक विशिष्ट जाति के लोगों को प्रमोट कर रही है, उनके लिए पैसा खर्चा कर रही है, और बाबा साहब का साहित्य सामने नहीं आ रहा है, आप क्या कहेंगे? ये मुख में राम बगल में छुरी वाला हिसाब सरकार का है। इसके पहले भी राजेश टोपे जी शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब भी यही हाल था। आज उदय सामंत जी उच्च शिक्षा मंत्री है, उनके काल में भी यही हाल है। जो कमेटी बनी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्रंथ प्रकाशन समिति जो बनी है, इनको जो निधि देना चाहिए, जो फंड देना चाहिए, अभी अखबार में जो खबर आई कि करीबन 5 करोड़ रुपए का कागज सड़ रहा है, तो लाए थे इसके लिए, और बाबा साहब के इन ग्रंथों को दुनिया भर में बड़ी मांग है, जिसमें सरकार का नुकसान नहीं है, सरकार के पैसा उनके पैसा आ रहा है, इसके बावजूद सरकार बाबा साहब के साहित्य को प्रकाशित करने के लिए जानबूझ के उसको दबाने की कोशिश कर रही है। बाबा साहब का साहित्य जनता तक ना पहुँचे, लोगों तक ना पहुँचे, सभी जाति धर्म के लोगों तक ना पहुँचे, इस देश में समानता का राज ना निर्माण हो, इस देश में भाईचारा ना निर्माण हो, ऐसी भावना जो लोग रखते हैं, जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि बाबा साहब का ये ऊर्जा देने वाला विचारधन लोगों तक पहुँचे। और इसी कारण महाराष्ट्र की के अभी फिलहाल तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, हमारे शरद पवार जी उनके मार्गदर्शक है, कर्ता कर्मिता है, वो ध्यान देना चाहिए। अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री है, उद्धव जी ठाकरे है, उदय सामंत उच्च शिक्षा मंत्री है, हमारे धनंजय जी मुंडे सामाजिक न्याय मंत्री है, क्या कर रहे हैं लोग? सिर्फ स्टेज पर आकर फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके विचारों को, उनको मानने वाले लोगों को न्याय देने का काम ये सरकार नहीं करती। बिल्कुल। और एक तीसरा भावनिक मुद्दा है, सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणा की, बीजेपी सरकार ने भी बड़ी घोषणा की कि जो इस चैत्य भूमि के बाजू में इंदू मिल की जगह है, वहाँ बहुत बड़ा स्मारक बाबा साहब का प्रपोज किया गया, लेकिन उसका काम भी ऐसे लगता है जैसे साहित्य प्रकाशन के संदर्भ में देखा जा रहा है कि लेट लतीफ़ी चल रही है, तो इंदू मिल के भी स्मारक को लेट लतीफ़ी चल रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत बड़े संघर्ष के बाद महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने मिलकर इंदू मिल की 12.5 एकड़ ज़मीन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए दी। घोषणा हुई, निधि का आवंटन हुआ, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर इंदू मिल में बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम कछुए की चाल से चल रहा है, नहीं के बराबर चल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं ये सरकार की नीति और नियत में बहुत फर्क है। नीति कितनी अच्छी होगी लेकिन नियत अगर ठीक नहीं होगी तो कौन क्या करेगा? तो नीति तो अच्छी है, फुले शाहू बाबा साहब का नाम लेने विचारों की नीति रखते हैं, लेकिन नियत उनकी ठीक नहीं है,
इसीलिए बाकी स्मारक बन जाते हैं, लेकिन बाबा साहब का हिंदू मिल का अंतर्राष्ट्रीय तो स्मारक बनाना चाहिए, वो तेज गति से बनाना चाहिए, युद्ध स्तर पर बनाना चाहिए। वो काम महाराष्ट्र की कम से कम पिछली सरकार ने नहीं किया। बड़े आस हमने लगाए बैठे थे कि महाविकास आघाड़ी की ये पुरोगामी सरकार कैसे आई है, ये तो भी कम से कम युद्ध स्तर पर इंदू मिल में बाबा साहब का राष्ट्रीय स्मारक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक जल्द से जल्द खड़ा करेगी, ऐसा हमारा मानना था। लेकिन उसमें कोई अभी हम देखते हैं, हमारे भी जब अगर हम लोग साथ में हैं देखते हैं किस प्रकार से सरकार को कैसा है। सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का ढोंग करता है उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। ये सरकार सोई है या सोने का ढोंग कर रही है ये हमें देखना पड़ेगा। अगर ढोंग कर रही है तो फिर दंड लगाकर सरकार को जगाना पड़ेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर सरकार सोई है तो दंडे लगाकर सरकार को जगाना पड़ेगा। ये थे प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर जो हमसे बात